बच्चों मैं तो नॉनवेज नहीं खाता। पर किसने कहा ये नॉनवेज है? ये तो वेजले का वेज मीट है। विकास करेंगे या शहर में विकास करेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिखाया कि हम गांव की विकास के साथ साथ शहर का भी विकास कर सकते हैं। दोनों के अंदर कोई द्वंद नहीं है। जो भारत हमारा गांव में बसता है उसके लिए ये समर्पित सरकार है, लेकिन उसके साथ साथ स्मार्ट सिटी की भी ये सरकार बात करती। उसके द्वंद को इस सरकार ने खत्म किया। एक द्वंद होता था कि ये जो सरकार है वो समाज कल्याण के काम करेगी या जो घाटा है सरकार का उसको कम करेगी, लेकिन ये जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है इसने घाटे को भी सरकार के कम किया है, लेकिन जो समाज कल्याण की जो योजनाएं हैं उसमें भी बहुत तेजी से विकास किया है। बहुत सारी योजनाएं ये सरकार लेकर आई है। तो इस सरकार ने ये जो द्वंद होता था कि फिस्कल डेफिसिट सरकार कम करेगी या समाज कल्याण की योजना करेगी, उसका भी द्वंद किया है। एक ये भी द्वंद होता था कि हमारी विदेश नीति कैसे होगी और रक्षा नीति में आपस में क्लैश होगा, क्योंकि विदेश नीति लोगों से कूटनीतिक संबंध बनाती है और जो हमारी जो रक्षा नीति है, अगर हम पर कोई आक्रमण करता है, हमसे कोई कुटिल चाल चलता है तो उसको सबक सिखाने का इस सरकार ने वो भी काम किया कि हमारी जो विदेश नीति है उसको भी ठीक से लागू किया। और जो हमारी रक्षा नीति है जिसके अंदर अगर कोई देश हमारे ऊपर बुरी नजर रखता है, हमारे यहाँ आतंकवाद का काम फैलाने का काम करता है, तो उस पर सर्जिकल स्ट्राइक भी ये सरकार कर सकती है। उस दिन भी वो काम करते हुए नजर दिखाई देते हैं। ऐसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। एक जो सबसे बड़ी बात इस देश के अंदर थी, जिसके अंदर हम जो राजनीति थी वो परिवारवाद की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति और जातिवाद की राजनीति। ये हमारा देश पिछले 70 वर्ष में इन तीन शब्दों के अंदर उलझा हुआ था, परिवारवाद, तुष्टीकरण और जातिवाद। शहादा जिले की जो आपको आज वारदात के बुलाया, आप लोगों ने हमारा मान सम्मान आकर इस सभा में बढ़ाया। मैं एक बार मीडिया के माध्यम से मीडिया को सबको दिल नवी शहादा जिले की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं मीडिया बंधुओं से एक बात जरूर शेयर करना चाहता हूँ। हमारी आपकी कलम में इतनी ताकत है जो पूरा देश को इधर से इधर हिला सकता है। हम छोटी से छोटी खबर को भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, पर आपके माध्यम से वो हमारी छोटे मोटी खबर अच्छे स्केल पर नवीन शहादा जिले को दर्शाती है। मैं उस खबरों के लिए आप लोगों के दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। जब भी मेरा धंधा हो, प्रदर्शन हो, मोदी जी की कोई योजना पे चर्चा करनी हो, आप बढ़ चढ़ के नवीन शहादा जिले की खबर को लगाते हैं। मैं इसके लिए एक बार आपका दिल से आभारी हूँ और उम्मीद करता हूँ इस तरीके से जी आपकी कलम में जान और कैमरों की पहचान जो आप लोगों ने नवीन शहादा जिले की दिखाई है, मैं इसके लिए नवीन शहादा जिले की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। सूचना बीजेपी सरकार के अंदर पिछले 4 सालों से जितना विकास बड़े न्यूज चैनलों का हुआ, बड़े दैनिक अखबारों का हुआ, छोटे मजरेले अखबारों पर केस लगे गए, रिकवरी का केस बनाए गए, ये बीजेपी सरकार का 4 साल का विकास हुआ है। ये मेरा सवाल है। अनिल शर्मा जी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो किसी तरह का पक्षपात का काम नहीं करती। ये वो 4 वर्ष की